नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी जोन पे। दोस्तों मैं हूं रनेश सर और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फिजिक्स में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस साल का जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन जो कि इस साल जो है 100% जो है ना पूछ सकता है, ठीक है ना। 100% आपको मैं गारंटी देता हूं, 99% संभावना है कि आ सकता है, ठीक है ना। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो 100% में 100% बता सकता हूं, लेकिन 99% में बोल सकता हूं कि क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो फिजिक्स आपको बता रहे क्लास 12 फिजिक्स में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस साल के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है। तो यही कहेंगे आप बिना रुके हुए, बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक क्वेश्चन को देखें कि आखिर ये क्वेश्चन है क्या। और एक बात और बताना चाह रहे हैं कि लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ऐसा 5 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव जो है आने का संभावना है, ठीक है ना। हो सकता है 5 में 5 भी आ जाए, लेकिन 3 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो वो 5 क्वेश्चन क्या है वो आपको देखना है लास्ट तक, ठीक है ना। तो यही कहेंगे आप बने रहिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिएगा। आप अगर नए हैं इस चैनल पे, पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है क्या आखिर। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रतिघात तथा प्रतिबाधा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों हो सकता है कि एग्जाम में आ सकता है। और ये क्वेश्चन मेरे साथियों ये पूछा गया है 2019 में पूछा गया है। तो प्यारे साथियों आपको कहना चाहेंगे कि इसका जबरदस्त और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। प्रतिघात और प्रतिबाधा ये दोनों भी प्रतिरोध का एक दूसरा रूप है। क्या है? प्रतिरोध का दूसरा रूप है, ठीक है ना। प्रतिरोध का सर मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मेरे प्यारे साथियों प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जो आप जानते होंगे बहुत ही प्रसिद्ध है ओम। प्रतिरोध बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों भी बाय आई होता है, विभांतर बटे धारा के अनुपात को लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का ओम होता है साथियों। तो प्रतिघात और प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम, ठीक है। और आपको बताना चाहते हैं प्रतिघात को सूचित किया जाता है दोस्तों यहां पर क्या है। देखिए प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं किससे? आर से। लेकिन प्रतिघात को लिखते हैं एक्स एल से, और प्रतिबाधा को लिखते हैं जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। प्रतिघात को एक्स एल से भी लिखते हैं या एक्स सी से भी लिखते हैं, लेकिन प्रतिबाधा को लिखते हैं हम लोग जेड से लिखते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब हमको ये सब आपको समझ में आ गया कि प्रतिघात और प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है, सर ने बताया है ओम। हाँ ये रियल है, ओम होता है। प्रतिरोध का काम क्या होता है? प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना। इलेक्ट्रॉन जो बहता है, इलेक्ट्रॉन जो चलता है उसकी गति को यही रोकता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इससे लड़ता है, और लड़ने में क्या होता है कुछ एनर्जी खत्म होता है, जो वही एनर्जी ऊष्मा ऊर्जा के रूप में बदल जाता है, इसलिए हमारा तार गर्म हो जाता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रतिरोध का काम यही होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है एल और सी में जो है प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? एल और सी सर्किट में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं बहुत आसान भाषा में दोस्तों। चलिए लिखते हैं सबसे पहले उसका, फिर आपको दिखाते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों प्रतिघात का मैंने आपको यहां पर परिभाषा लिखा है, बहुत आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग, जिसको हम प्रत्यावर्तन धारा कहते हैं, जो आपके घर में करंट आ रहा है, ठीक है। एसी परिपथ में एल तथा सी परिपथ में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को हम लोग प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। एसी सर्किट जो है वो बनता है, बताते हैं आपको कितने प्रकार के होते हैं वो। लगभग देखो मूल सर्किट जो होता है वो होता है एल सर्किट, एक होता सी सर्किट, एक होता आर सर्किट, और ये दोनों से मिलकर बनता है एलसी सर्किट होता है, ठीक है। और ये दोनों मिल से बनता है, तो ये होता है सीआर सर्किट होता है, सर्किट मतलब परिपथ, और ये होता है एलआर सर्किट हो जाएगा आपको। इस तरह से मिलकर 7 सर्किट बनता है। अब तीनों मिल जाएगा तो बन जाएगा एलसीआर सर्किट, ठीक है,
LCR सर्किट। तो देखिए सात प्रकार के L सर्किट होता है, C सर्किट होता है, R सर्किट होता है, LC सर्किट, CR सर्किट और LR सर्किट और LCR सर्किट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिघात कहते हैं। L मतलब होता है प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व। C मतलब होता है धारिता, ठीक है। R मतलब होता है प्रतिरोध, रजिस्टर। L से होता है इंडक्टर, C से होता है कैपेसिटर, R से होता है रजिस्टर, ठीक है। यही तीन वो चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है AC सर्किट में, ठीक है। तो AC में प्रयुक्त होने वाला जो AC में प्रयुक्त L और C परिपथ में जो प्रयुक्त होता है प्रतिरोध उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिघात। इसको हम लोग लिखते हैं XL से और XC से या XC से। यदि L सर्किट है तो XL और यदि C सर्किट है तो XC। XL बराबर होता है फार्मूला ओमेगा L, ठीक है। XL लिखेगा तब, या XC बराबर होता है 1/ωC, ये होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है क्वेश्चन, तो मतलब ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपका हो गया। अब आता है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कहते हैं AC परिपथ में LR या CR या LCR, ये तीनों परिपथ में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है, जेड लिख दिए हैं। ओम प्रतिघात, प्रतिबाधा या प्रतिरोध, तीनों का होता है मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको था दोस्तों। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ गए होंगे कि क्या हम बोले हैं एल और सी सर्किट में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को हम लोग बोलते हैं प्रतिघात, जिसे XL से सूचित किया जाता है। XL बराबर ओमेगा L होता है, या XC बराबर होता है 1/ωC। प्रतिबाधा में होता है कि LR, CR, LCR परिपथ में प्रयुक्त होने वाले प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन था जो कि हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि पूछ सकता है, ठीक है। और अधिक क्वेश्चन देखने के लिए आपको जितना भी क्वेश्चन आपको चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सारा क्वेश्चन हम बता दिए हैं, मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है, बहुत ही फ्रेश। आपको क्वेश्चन बैंक भी पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, इतने अच्छे से बता के हमने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो 100% मैं गारंटी देता हूं, उतना आप पढ़ लोगे तो आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। और मैं जो डेली बता रहा हूं उस चीज का आप जो 100% अमल कीजिए और उसको याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं पांच क्वेश्चन। वो पांच क्वेश्चन VVI 5 ऑब्जेक्टिव। मेरे प्यारे साथियों, ये पांच क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, पांच क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। और इसमें हम दो ही ऑप्शन दिए हैं क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत टाइम लगता है। दो ऑप्शन है, आपको एक बताना है कौन सा इसका आंसर हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। क्वेश्चन है एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है। ए है आवेश, बी है ऊर्जा। आवेश और ऊर्जा, तो एम्पियर घंटा मात्रक होता है वो आवेश का होता है। कैसे? आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। धारा को मापते हैं एम्पियर से और समय को मापते हैं सेकेंड से, और सेकेंड की जगह पर आपको मिल सकता है मिनट भी, मिनट की जगह पर मिल सकता है घंटा भी। तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो आवेश का होता है। कहता थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, क्या 90 या 140 क्या होगी। मैं दो ही ऑप्शन दिया हूं, वहां पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे कंफ्यूज करने के लिए, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आपकी चालाकी, आपकी बुद्धिमानी वहां पर काम आएगा कि आपने कितना पढ़ा है और क्या आप सटीक आंसर लगा के आ रहे हैं या नहीं, या तुक्का मार के आ रहे हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकलता है वो होता है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या। परमाणु भार को लिखते हैं ए से, परमाणु संख्या को लिखते हैं जेड से। तो ये कहलाता है आपका क्या, ये होता है जेड परमाणु संख्या और ये होता है ए। अब इसको घटा लीजिए 230 में से,
90 चला जाएगा तो कहने का मतलब है ये हो जाएगा आपका कितना 140, इतना होगा परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की, किसी भी तत्व की न्यूट्रॉन संख्या निकालना है, ए माइनस जेड कर दो निकल जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है क्या होगी, वी स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाय आर। विद्युत परिपथ की शक्ति जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाय आर। विद्युत परिपथ की शक्ति बराबर देखो एक और होता है फॉर्मूला, वी आई भी होता है या वी आई के जगह पर होता है वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, आर होता है ठीक है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है कितना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध होता है 50,000 ठीक है। XL को क्या कहते हैं, प्रतिघात प्रतिबाधा प्रतिरोध, क्या कहते हैं, कहते हैं प्रतिघात। XL को कहते हैं प्रतिघात ठीक है। किसका प्रतिघात, L का प्रतिघात। L को क्या कहते हैं, L को कहते हैं प्रेरकत्व, कहते हैं प्रेरकत्व, इंडक्टर, इंडक्टेंस। मेरे प्यारे साथियों थोड़ा क्षमा चाहेंगे आपसे हम, क्योंकि थोड़ा सा बगल में जो है वो शोरगुल हो रहा है, गीतर बज रहा है, गीत थोड़ा सा शादी ब्याह का माहौल है, जिसके वजह से जो है ना आपको थोड़ा सा सुनाई देगा तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा ठीक है ना, आप मेरी बातों को सुनिएगा उधर इग्नोर कीजिएगा ठीक है ना। तो चलिए अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह इसी एनर्जी के साथ, और मैं यही कहूँगा कि लगा दो पूरा दम जितना है तुम में और दिखा दो दुनिया वालों को कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूं ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।